तो चलिए शुरू करते हैं। आज रेनॉक्स के मेरे पास ग्लव्स आ चुके हैं। रेनॉक्स के ये टॉर्नेडो प्रो ग्लव्स हैं, आप देख भी सकते हैं। आप इस पर लिखा भी है टॉर्नेडो प्रो 3। ये एल साइज़ मैंने मंगवाया था, आज कम से कम 6 दिन हो गए हैं इसको। 6 दिन के बाद आया है ये। ऑरेंज कलर का है ये एल साइज़ में, और ये मुझे पड़ा है 3250 का। बाकी इसके साथ कुछ खास नहीं है, ये बिल है और ये कुछ रेनॉक्स के स्टिकर्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। ये इस तरह से कुछ पैकिंग है इसकी, देखिए ये लिखा है। इसको निकालेंगे तो ये एक अलग हो गया, और ये दूसरे को खींचेंगे तो ये अलग हो गया। बाकी इस पर कुछ नहीं है, ये एक यूज़र गाइड है, देख सकते हैं यूज़र गाइड है, रीड बिफोर यूज़। तो बाकी कुछ नहीं है। ये आप आपस में भी कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे के साथ, जैसे कहीं उतर गए तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, ये देखिए। तो चलिए बाकी ये इसका देखो, ये नॉक्स से सर्टिफाइड है, नॉक्स SPS इस पर लिखा भी हुआ है, ये आप देख सकते हैं नॉक्स SPS। ये भी नॉक्स SPS प्रोटेक्शन है। तो ये फिंगर टच स्क्रीन, मतलब आप इसको लगा के भी अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो। तो ये इसकी जो है प्रोटेक्शन, ये काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन है इसकी। ये इसके लिए जाना भी जाता है, ये नकल जो नकल के लिए है आपके, बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे देखने में भी थोड़ा प्रीमियम फील हो रहा है। यहाँ पे इसकी ये ग्रिप के लिए है, ये जो आपको चमकता चमकता दिखाई दे रहा होगा डॉट्स में, इससे बाइक हैंडल की अच्छी ग्रिप बनती है। बाकी कुछ नहीं है, ये देखिए इस पर लिखे इम्पैक्ट नकल, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, बस ये इसके बारे में थोड़ा सा ये बताया है कि जब गिरो तो ऐसे गिरना है, अगर SPS हो तो ये होगा, नहीं होगा तो ये होगा। ये देखो, नॉक्स SPS एलिमिनेट्स द ग्रैब इफेक्ट ऑफ नॉर्मल ग्लव्स बिकॉज इट अलाउज द पाम टू स्लाइड फॉरवर्ड, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ स्कैफोल्ड इंजरी। चलो कोई बात नहीं, इसको लगा के देखते हैं। लुक्स तो अच्छी है, यहाँ पे इसको एक ना रबड़ है अंदर से, रबड़ अटैच का। तो आप जब लगाओगे तो आपको ये थोड़ा सा दिखेगा कि, मैं वॉच खोल लेता हूँ, पहले से लग गया टाइट है, बट जब हाथ पूरा चला जाएगा तो टाइट नहीं है, कुछ इस तरह की लिखा ये देख लें। बाकी मैं राइडिंग टाइम पहनूंगा तो आपको दिख ही जाएगा तरह की लुक है। देखिए दूसरा भी पहनता हूँ मैं, थोड़ा पहनना ऐसे लग रहा है मुश्किल हो रहा है। नहीं, पहनने में मुश्किल है, बट एक बार जब पहन लोगे फिर कोई मुश्किल नहीं है। ये देखो कुछ इस तरह की लुक है, ये थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी। बाकी मटेरियल तो अच्छा ही लग रहा है। तो यहाँ पे भी देखो रेनॉक्स लिखा हुआ है, रेनॉक्स का, लेकिन ये वाला जो इसके ऊपर ये वाला है ना लोगो रेनॉक्स का, ये उतना प्रीमियम लुक नहीं देखता, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के बाद ये निकल जाएगा। बाकी ये जो है ये अच्छा है, बाकी तो यूज़ करूँगा तो पता चलेगा आपको। ऐसे दिखने में वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है। 3250 का मुझे पड़ा है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ख़रीदा है मैंने, क्योंकि अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं था एल साइज़, और फ्लिपकार्ट पे तो मिलता ही नहीं है। तो बाकी ठीक है, लाइनिंग देखो आप यहाँ पे ऑरेंज में आता है, फिर ये सिलाई है ऑरेंज कलर की, सेम है ये भी, ये कुछ खास नहीं है। देखिए देख सकते हैं अच्छे से, अब देखो उतारने में दिक्कत हो रही है, बस देखो ये
उतरने चढ़ने में जो प्रॉब्लम है वो बताता हूँ किस तरह से आ रही है। देखो इसके अंदर देखो ये रबड़ है, ये देखो ये रबड़ दिख रही है आपको, हाँ ये रबड़ है इसके अंदर। इसकी वजह से इस जगह से देखो बिल्कुल थोड़ा सा आपको टाइट लगेगा, बट मैंने एल साइज मंगाया था, मुझे एल साइज फिट है। जब आप इसको लगाओगे तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट जब लग जाएगा आपके हाथ में तो फिर आपको अच्छी लुक देगा। ये मैंने आपको दिखाया था, नीचे रख के